The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is it? It's basically your body's immune system protects you from diseases and infections. Or basically, if you have autoimmune disease, तो आप ही की immune system, आप ही के healthy cells को by mistake attack करेगी. और immune disease, autoimmune disease can affect any part or many part of your body, any and many, थोड़े भी और ज़्यादा भी, right? And no one is sure कि ये क्यों होता है, but बहुत सारे लोगों को tendency है, females को, right? कुछ country के लोगों को उनको ज़्यादा रिस्क होता है और 80 से ज़्यादा प्रकार है ऑटोइम्यून डिजीज़ के. और उसमें अगर आपको होती है तो कुछ काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है उसका डिजीज़, उसमें कमज़ोरी, फीवर, मसल एक, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. क्लासिकल साइन है इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन होगा कहीं भी, कोई ऑर्गन डैमेज होगा तो रेडनेस, हीट, इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग, ये होगा वहाँ जहाँ पर होगा उस ऑर्गन का, चाहे बोन हो, चाहे जॉइंट हो, चाहे व्हाटएवर इट इज़. एंड अगर डिजीज़ फ्लेयर अप होती है बीच बीच में डाउन होती है, दैट इज़ व्हाट हैपन्स. अगर वो वर्स होती जाती है कभी कभी तो दवाइयाँ हैवी लेनी पड़ती है, स्टीरॉयड भी लेना पड़ता है कई बार, राइट? और इन्फ्लामेशन कम करने के लिए जब कम हो जाती है देन वी कैन गो ऑन मेंटेनेंस मेडिकेशंस, राइट? डिसअपियर हो सकती है लेकिन वापस भी आ सकती है. ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द डिजीज़, डिपेंड्स अपॉन कहाँ हो रहा है, जॉइंट में हो रहा है, हार्ट में हो रहा है. सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्लस इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस करने वाला ट्रीटमेंट चलता है ऑटोइम्यून डिजीज़ में. सो टेस्ट में इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलर्जीज का टेस्ट, नहीं, इन्फ्लामेशन का टेस्ट होता है, CBC, ESR, CRPs, और वो बड़े आते हैं. तो ऑटो इम्यूनिटी के लिए ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट टेस्ट होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट होता है, और ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज टेस्ट होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए टेस्ट कर सकते हैं, फार्माकोजेनेटिक टेस्ट होते हैं, और सम इम्यून प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है. तो ये सारे टेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट तो फिर हम डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन डिजीज टू डिजीज. तो ये हुआ इन शॉर्ट ऑटो इम्यून डिजीज़, राइट?